A farmer is a magician who produces money from mud. नमस्कार लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका. आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है अग्रसेन भवन हीरापुर. ज्ञान विज्ञान समिति के द्वारा आयोजित है एक संवाद जिसमें मुख्य भूमिका है ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क की. देश भर के बड़े वैज्ञानिक यहाँ पहुँचे हैं और आज जो मुख्य संवाद का टॉपिक है वो है आत्मनिर्भर भारत की संभावनाएं और चुनौतियाँ. झारखंड की दिशा दशा साथ ही बीसीसीएल और कई बड़े मानकों पर आज चर्चा हो रहा है. अमलेंदु सिन्हा सिम्फर के वैज्ञानिक वो भी मौजूद है, साथ ही कई प्रोफेसर्स भी मौजूद हैं. विचारों के मंथन से आज नई दिशा मिलेगी और पुरानी बिगड़ी हुई दशा सुधरेगी. लगातार ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क जिला भर में कई बड़े कार्यक्रम आयोजित करता है. दो दिवसीय कार्यशाला में कृषि जगत की, जैसा हम जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि संकट और कृषि से जुड़े अहम पहलुओं पर चर्चा भी होगी. ये दो दिन से कार्यशाला चल रहा था, यह एग्रीकल्चर डेस्क का, ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क का एक डेस्क है, उसका बैठक चल रहा था कि एग्रीकल्चर क्राइसिस में हम देश को कैसे उससे निकालें. लेकिन आज सेमिनार है, ये सेमिनार है कि भारत में आत्मनिर्भर भारत की चुनौतियाँ. आज़ादी के 75 वर्ष पर अमृतकाल महोत्सव हो रहा है और देश काफ़ी आगे बढ़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन उसके बाद भी देश में जो अंतिम जन अभी भी पीछे है, कोविड के बाद भूखे सोने वाले लोग करोड़ों हैं. दूसरा है कि शिक्षा में अब स्कूल बंद होना शुरू हुआ है, स्वास्थ्य सुविधा जो सरकारी था वो धीरे धीरे निजीकरण हो रहा है. और कोई भी देश तब आत्मनिर्भर हो सकता है जब उसको भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तीन चीज का सुविधा मिले. तो इसी पर आज का सेमिनार है, उस पर बातचीत. क्या निष्कर्ष निकला सेमिनार से? सेमिनार में भी बातचीत होगी, इससे जो निकलेगा कि हमारा रास्ता क्या है. हम दो काम करते हैं, हम सरकार को भी बताते हैं कि आपको कैसे चलना है और विकल्प भी तैयार करते हैं और फिर संघर्ष भी करते हैं. आपका नाम परिचय? काशीनाथ चटर्जी, सचिव भारत ज्ञान विज्ञान समिति. बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अभी परिचर्चा करेंगे. जैसा कि आप जानते हैं, विगत 13 दिनों से देश के कृषि क्षेत्र में क्या कुछ संभावना हो सकता है, उस पर देश के बड़े बड़े जन वैज्ञानिक, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले तमाम साथियों, पूरे विमर्श और मंथन के बाद अपना एक राय बनाए हैं. उस राय पे हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे और शायद देश के अंदर कृषि के क्षेत्र में कुछ नई शुरुआत हम करने की कोशिश कर रहे हैं. और उस कोशिश में यहाँ पर आज जो मंथन में शिरकत कर रहे हैं, सेमिनार में जो शिरकत कर रहे हैं, वो सब किसी न किसी रूप से उस इतिहास के हिस्सा रहेंगे. आज जो हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे पैनल से आपको पता चल ही गया होगा कि आत्मनिर्भर भारत की चुनौती क्या है और संभावनाएं क्या है. ये दोनों विषय पर हमारे विद्वत जन जो देश के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुभव को समेट कर रखे हैं, तो हम अपने इस विचार गोष्ठी में या यूं कहिए कि समुद्र मंथन से कुछ नई चीज हम निकाल कर जाएंगे. और धन्यवाद के इस मंथन से पूरे राज्य को, पूरे देश को हम दिशा देने का काम करेंगे. तो इसके पहले कि हम विधिवत सेमिनार का शुरुआत करें, हम हर काम एक शुभ चीजों से करते हैं और भारत ज्ञान विज्ञान समिति और ऑल इंडिया पीपुल साइंस नेटवर्क का एक परंपरा रहा
जब शुरुआत भी गीत से करते हैं और अंत भी सुखमय वातावरण में गीतों से करते हैं, तो हम विजय पटेल जी जो मध्य प्रदेश के सचिव हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे यहाँ और अपने गीत से हम पूरे हॉल में बैठे हुए तमाम साथियों को प्रेरित करने का काम करें। विजय पटेल है, आइए। ये गीत है जो कल भी हमने गाया था, हम आज उसी को रिपीट करते हैं, लेकिन कल थोड़ा दो स्टैंजा था, आज उसको पूरा गाएंगे। और आप सब लोग भी उस पर हिस्सेदारी लेंगे। हल चला के खेतों को मैंने ही सजाया रे, हल चला के खेतों को मैंने ही सजाया रे, हल चला के खेतों को मैंने ही सजाया रे, हल चला के खेतों को मैंने ही सजाया रे, गेहूँ चावल मक्के के दानों को उगाया रे, गेहूँ चावल मक्के के सब लोग पीछे से तो आवाजें नहीं आ रही हैं, खाना तो हो गया नहीं हो रहा। हल चला के खेतों को मैंने ही सजाया रे, हल चला के खेतों को मैंने ही सजाया रे, हल चला के खेतों को मैंने ही सजाया रे, हल चला के खेतों को मैंने ही सजाया रे, गेहूँ चावल मक्के को मैंने ही उगाया रे, गेहूँ चावल मक्के को मैंने ही उगाया रे, रहूं क्यों भूखे पे बनाया मैंने धान भी पकाया रे, चूल्हा भी बनाया मैंने धान भी पकाया रे, चूल्हा भी बनाया मैंने धान भी पकाया रे, चूल्हा भी बनाया मैंने धान भी पकाया रे, रहूं क्यों भूखे पेट रे कि मेरे लिए काम नहीं, खुदाई की भट्टी को जलाया रे, मिट्टी की खुदाई की भट्टी को जलाया रे, ईंटों को पकाया मैंने बंगला बनाया 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 रे, संसद का हर एक खंभा मैंने ही बनाया रे, फुट पाथ पे कि मेरे लिए काम नहीं, जो फुट पाथ पे कि मेरे लिए काम नहीं, जो फुट पाथ पे कि मेरे लिए काम नहीं, जो फुट पाथ पे कि मेरे लिए काम नहीं, रेल को बनाया मैंने सड़कों को बिछाया रे, रेल को बनाया मैंने सड़कों को बिछाया रे, रेल को बनाया मैंने सड़कों को बिछाया रे, हवा में उड़ाया मैंने चंदा से मिलाया रे, हवा में उड़ाया मैंने चंदा से मिलाया रे, नाव को बनाया मैंने पानी में चलाया रे, नाव को बनाया मैंने पानी में चलाया रे, मेरी न जिंदगी चले कि मेरे लिए काम नहीं, मेरी न जिंदगी चले कि मेरे लिए काम नहीं, मेरी न जिंदगी चले
ज्ञान विज्ञान के साथियों के लिए एक मैसेज है, उंगलियों को मोड़ेंगे और हाथ को उठाएंगे, उंगलियों को मोड़ेंगे हाथ को उठाएंगे, उंगलियों को मोड़ेंगे और हाथ को उठाएंगे, उंगलियों को मोड़ेंगे और हाथ को उठाएंगे, हाथ को उठाएंगे और जिंदाबाद गाएंगे, हाथ को उठाएंगे और जिंदाबाद गाएंगे, लड़ेंगे जब तक रे कि जब तक आगे बढ़ते हैं। और आज जो एक महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए हम विधिवत सेमिनार का शुरुआत करते हैं। तो आज के इस सेमिनार के अध्यक्षता के लिए हम अमरेंदु सिन्हा जी, जो एक्स डायरेक्टर हैं CIFR के, उनको सम्मान के साथ में हम मैच पर आमंत्रित करते हैं और आप भी जोरदार ताली बजाइए उनके लिए। और इस कार्यक्रम के संचालन के लिए हम अर्पणा जी को आमंत्रित करते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है IIT धनबाद के और लगातार ज्ञान विज्ञान समिति से जुड़कर अपने सक्रियता दिखाते हैं, अपनी बौद्धिकता से हम लोग को प्रेरित करते हैं। हम पूरे सम्मान के साथ उन्हें डेस्क पर आमंत्रित करते हैं। आज आप आइए, आपको संचालन करना है तो। और आज इसमें बहुत से महत्वपूर्ण साथी जिनके वक्तव्य को हम लोग सुनेंगे, हम उसमें एग्रीकल्चर के जाने माने वैज्ञानिक अंशुमन दास जी से निवेदन करेंगे कि वो डेस्क पर आ जाएं और आप भी जोरदार ताली से उनका स्वागत कीजिए। और प्रोग्रेसिव मूवमेंट के बाहर रहे हैं गोपीनाथ बख्शी जी, जो इस उम्र में भी युवा की तरह काम करते हैं, जोरदार ताली से उनको हम आमंत्रित करते हैं। हम CMRI के साइंटिस्ट राजशेखर सिंह जी से आमंत्रित करेंगे, वो डेस्क पर आए। कृषि वैज्ञानिक धर्मेंद्र मिश्रा सर को भी हम आमंत्रित करते हैं, क्या आइए हमारे मंच की शोभा बढ़ाइए और अपने बातों से हम लोगों को प्रेरित करने का काम कीजिएगा। उसके बाद प्रोफेसर पार्थिव बसु, जिनके पूरे महत्वपूर्ण वक्तव्य से हम लोग अभी सुने और आगे की रास्ता तय किए, उनको हम पूरे सम्मान के साथ डेस्क पर आमंत्रित करना चाहेंगे। हम ऑल इंडिया कंप्यूटर साइंस नेटवर्क के पूर्व जनरल सेक्रेटरी, हम लोग के अभिभावक और समय समय पर कोविड से लेकर अब तक कृषि के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्र में पूरे प्रेरित करते रहे हैं दिनेश अवराव साहब, हम उनके पूरे सम्मान के साथ डेस्क पर हम आमंत्रित करना चाहेंगे। और अंत में भारत ज्ञान विज्ञान समिति के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर काशीनाथ चटर्जी, उनसे भी हम निवेदन करेंगे आए, वैसे होस्ट हैं इसलिए थोड़ा झिझक भी रहेंगे रहे हैं।
और हम ज्ञान विज्ञान समिति के पूर्व जनरल सेक्रेटरी और वर्तमान में ऑल इंडिया पीपुल साइंस नेटवर्क के जनरल सेक्रेटरी हम लोग की दीदी आशा मिश्रा जी। आशा जी, तो साथियों विधिवत मंच पर हमारे वक्ता अध्यक्ष जी आसीन हो चुके हैं। अध्यक्ष जी के इजाजत से हम आज के कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेवारी दिए हैं, उनको माइक सौंपते हैं। इस आशा और विश्वास के साथ इन सारे लोगों के समुद्र मंथन से अमृत को निकालेंगे और कृषि के क्षेत्र में एक नया दिशा देंगे। आत्मनिर्भर भारत की चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर धन्यवाद। मैं डॉक्टर अमरेंद्र सिन्हा सारे हमारे जो भी डिस्टिंग्विश पैनलिस्ट उनको वेलकम कर सके और इस कार्यक्रम का शुरुआत करें। डॉक्टर अमरेंद्र हमारे साथ बैठे हुए और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और नैनी विद्या और हमारे साथ ही उपस्थित आप सब जो इस सेमिनार को अटेंड करने आए हैं, हमारा प्रेस मीडिया के साथियों सभी को नमस्कार। ऐसे तो क्योंकि मेरा किसी से बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, ना एक्सपर्टीज है, ना नॉलेज है। मैं तो माइनिंग वाला आदमी हूँ, माइनिंग का आदमी हूँ। आप जब पर्सन जब नीचे का बात करते हैं तो आप तो वहीं ज़्यादा से ज़्यादा उसको नीचे का बात करते हैं। आप जहाँ जमीन से जुड़े हुए हैं, आप जहाँ मीडियम फाइल से जुड़े हुए हैं, तो हम विभिन्न पत्थर से जुड़े हुए हैं। तो हम दोनों का जो नॉलेज जो है ना जो एक्सपर्टीज है वो अलग है, लेकिन तब भी हम लोग को देखते हुए हमें लग रहा है कि हाँ पता नहीं आप नहीं आते जो बहुत बहस कम करते। ये मेरे लिए सौभाग्य का बन रहा है कि आज इतना बड़ा एग्रीकल्चर कॉन्वेंशन में हमें आप बुलाए हैं और हमें कुछ बात बोलने के लिए मौका दे रहे हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य का बात। आप सभी को क्योंकि हमें वेलकम एड्रेस बोला गया है, तो मैं सबसे पहले आप सभी को मेरे देश के कोयला का राजधानी में स्वागत करता हूँ। आप जानते हैं कि यहाँ से कुचिपुर दरिया गोरखपुर में एक बहुत बड़ा कोयला का भंडार है। कोयला कुछ नहीं ऐसा ऊर्जा का एक बहुत है, एनर्जी है, और यहाँ पर जो भी आते हैं उसको एनर्जी यहाँ पर पहुँच जाता है और बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो जाते हैं और ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। मुझे आशा है कि आप यहाँ पर आए हैं, इसकी विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं और ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे यहाँ पर एनर्जी से। आगे तो मैं इतना बोलूँगा कि आप झारखंड राज्य में आए हैं, झारखंड का एक नवीन स्टेट। अब मैं तो बोलूँगा 22 तेईस का नहीं हुआ ऐसा मैं तो 2000 जितना मैं जानता हूँ बहुत ही नया स्टेट है, राज्य है। यहाँ पर समस्याएं दूसरे जगह से अलग है, लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा है। यहाँ जैसे हमारा जमीन हमको पता नहीं कितना स्टेबलाइज है, पर कल्टीवेशन करने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा मौका है। और जैसे मैं जानता हूँ कि ऑलमोस्ट
40% कल्चरल एंड पीएम। इसलिए अगर हम इसका जमीन, इसका जो टोपोग्राफी है, यहाँ पर इनकी बहुत सारा समस्याएं भी हैं, क्योंकि यहाँ पहाड़ी एरिया है, पानी को रोकना एक कठिन है। लेकिन बहुत सारा विषय मैं जब सी एम आ रहे था, आप देख रहे हैं मेरे साथ डॉक्टर राजशेखर सिंह बैठे हुए हैं, जो कृषि विज्ञान के चर्चा में तो रिसर्च करते थे सी एम आ रहे हैं, तो मैं इन सब से मिला हूँ। मुझे लगता है कि बहुत सारा काम यहाँ कर सकते हैं। हमने देखा है जो वाटर सेट मैनेजमेंट क्या होता है, हमने ये भी देखा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, ये सब अगर हम इस पर सही दिशा दे सके तो इस देश में भी ये झारखंड का धरती है, हम बहुत सारे काम कर पाऊंगा, बहुत सारे फसल उतना का होगा, ये इसका मौका है। तो मैं तो दो तीन से बात आप लोग को बोलूँगा, तो ये सोचिए यहाँ बहुत सारा माइनिंग हो रहा है, उसका जमीन जो है ये रिप्लेनेशन हो रहा है, और उस रिप्लेस लैंड पे हम कैसे करते हैं, उसको कैसे ओवर बनाना और ज़्यादा फर्टिलाइज बनाए, हम बैठ नहीं कहते हैं बना बैठ बनाई कोई है, कि बहुत बड़ा रिसर्च करते हैं, उससे भी आप उसको जमीन में डाल सकते हैं और उसको और ओवर बना सकते हैं। कि मैंने भी ये राजशेखर जी के लिए काम किए थे मेडिसिनल प्लांट पर, हमारे था यहाँ पर एक छोटा पार्क था मेडिसिनल प्लांट का, वो भी हम सोच सकते हैं। और आज का दिन का जो सबसे बड़ा बिजनेस है ऑर्गेनिक फार्मिंग, आदमी केमिकल फर्टिलाइजर से डर डर रहे हैं, सोच रहे हैं इसमें बहुत सारा बीमारी आ सकता है, तो आप लोग भी सोचिए ये सर ये झारखंड में कैसे करें। ऐसे तो झारखंड का जैसे मैं जानता हूँ यहाँ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट का एक कोई रोड है और विजन भी बना हुआ है, आप लोग चाहे तो उसको देख सकते हैं, उसको जरूर आप लोग देखे भी होंगे और आगे वो देखेंगे, अगर उस विषय में और ज़्यादा काम करेंगे। और ज़्यादा मेरा इस विषय में ज्ञान नहीं है, इसका बहुत कुछ बोलूँगा तो फिर ज़्यादा गलत बोलूँगा, सही बात मैं बोल नहीं पाऊँगा। तो हम आप सबको फिर से स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आगे में आप लोग जो चर्चा करेंगे इससे हम सभी को फायदा होगा। और असीना भाव को जो आगे धन्यवाद देते हैं कि आपने यहाँ मुझे बुलाया और कुछ बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जो हम लोग के साथ पूरा काम कर रही है ज्ञान विज्ञान आंदोलन में मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के जाने माने वैज्ञानिक और सीएफआरआई के पूर्व निदेशक अमलेंदु सिन्हा जी जो हमारे साथ लगातार है काम कर रहे हैं। और दोस्तों बाहर से जो साथी आए हैं यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित हैं, सुभाष जी हैं, डॉक्टर दिनेश सैपरो जो अखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क के फाउंडर हैं, प्रोफेसर पार्थिव बसु हैं अखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क के राष्ट्र महासचिव आशा जी हैं, और राजशेखर जी हम लोग के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र और जनवादी आंदोलन के हम लोग के अभिभावक गोपीकांत बख्शी जी हैं, और तमाम जो ज्ञान विज्ञान के साथियों और विभिन्न जन संगठनों से आए हुए दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। और आपको ये बता दें कि 12 राज्य के जन वैज्ञानिक यहाँ उपस्थित हैं और 2 दिन जैसा कि हमारे ज्ञान विज्ञान समिति के अध्यक्ष महोदय ने अपने बात को रखा कि इन्होंने एक मंथन किया कि आने वाले दिन में कृषि संकट में हम कैसे काम करें। हिमाचल से लेकर तमिलनाडु तक के लोग पहुंचे हैं, नागालैंड मणिपुर से इसलिए नहीं हो सके कि काफी दूर है, ट्रेन में लास्ट में वेटिंग था। हम लोग इस बातचीत में लगातार लेकिन इसके साथ हम लोगों ने जोड़ा कि चूंकि बहुत सारे विद्वान आ रहे हैं और उनसे हमको मार्गदर्शन मिले, इसके लिए हम लोगों ने आज का सेमिनार रखा आत्मनिर्भर भारत की चुनौतियां संभावनाएं।
तो आत्मनिर्भर भारत के बारे में बहुत अध्यक्ष महोदय ने डॉक्टर अमरेंद्र सिन्हा जी रख रहे थे अपनी बात को। जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं दोस्तों, तो आजादी का 75 वर्ष पूरा हो चुका है, 76वां वर्ष चल रहा है। हमने काफी हमारे बहुत महत्वपूर्ण साथी अपने बातचीत को रखेंगे, लेकिन जब हम बातचीत करें काफी तरक्की हुआ है, ऐसा नहीं दो अकाल छिला आजादी के बाद, उसके बाद खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर बने, लेकिन आज चुनौती काफी बढ़ा। जब हम आत्मनिर्भर के बात करते हैं तो उसमें शिक्षा भी आता है, स्वास्थ्य भी आता है, रोजगार भी आता है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखें तो झारखंड में ही लीजिए कि 6700 स्कूल बन चुके हैं, और जब हम गांव गांव में जाकर के इसको लेकर के सब बात कर रहे हैं तो गिरिडीह में गिरनिक प्रखंड में एक पंचायत है जहाँ 11 स्कूल बन चुके हैं, और 11 स्कूल का जब हम लोगों ने सर्वे किया तो देखा कि 4 स्कूल का जरूरत ही नहीं था, ठेकेदार और शिक्षा विभाग का गठजोड़ 4 स्कूल को बनाया, और 7 स्कूल जो बंद हुआ उसका जरूरत था, जिसके चलते बच्चे स्कूल से वंचित है, जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, शिक्षा अधिकार कानून का बहुत बड़ा उल्लंघन। दूसरे तरफ 1953 में दुमका का एक रामेश्वर ब्लॉक है जहां का स्कूल बंद। तो आत्मनिर्भरता का जब हम बात करते हैं तो उसमें शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, और भोजन, भोजन एक नंबर। कोविड के बाद लोगों का जो भोजन है वो घटा है, भूख से रात को जगने वाले लोगों का संख्या बढ़ गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर देखिए तो कोविड के समय जो सरकारी हॉस्पिटल में लगातार काम किए डॉक्टर, लेकिन जो लोग गलती से भी प्राइवेट में गए और उस समय किस तरह की स्थिति हुई, तो इन सारे चीजों को, और जब आप बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के तरफ देखेंगे तो जब राष्ट्रीयकृत हुआ था तो लगभग 1,48,000 जहां तक आंकड़ा आपको याद है मजदूर थे जो राष्ट्रीयकरण के बाद परमानेंट अस्थाई मजदूर बने। आज 20,000 से भी कम मजदूर है, और अधिकतर जो मजदूर बाकी लोग हैं वो आउटसोर्सिंग में काम करते हैं, और उनका तनख्वाह 5,000 से 12,000 के बीच है और 12 से 13 घंटा का काम है। तो जब इन सारे चीजों पर हम बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात करते हैं तो हमको लगता है कि आजादी के 75 वर्ष में इन चीजों के भी मूल्यांकन होने की जरूरत है, और इसीलिए आज हम लोगों ने इस संवाद को आयोजित किया। झारखंड में जब बोकारो स्टील सिटी का स्थापना हुआ, हमारे एक साथी है जो झारखंड के रिक्शा चालक पर एक किताब लिखे है, रांची के रिक्शा चालक पर, उनके किताब का जो अंत का सारांश है उसको हम पढ़ रहे थे, राधेश्याम मंगोलपुरी जो दिल्ली के हैं और लेखक है, लगातार अभी हमारे ज्ञान विज्ञान झारखंड के स्टडी कर रहे हैं और किताब एक लिखने का उनको इच्छा है। तो हम लोगों ने देखा उनके किताब में कि अधिकतर रिक्शा वाला जब वहां पर बड़ा प्लांट बनना शुरू हुआ तो वहां के जमीन के मालिक और उनका सेटलमेंट सही ढंग से नहीं, तो विकास तो हुआ इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कई दिक्कतें पहले की है और अभी और दिक्कत बढ़ा है, इसलिए आज इस महत्वपूर्ण विषय को हम लोगों ने चुना है कि जो हमारे वैज्ञानिक साथी आए हैं, क्योंकि इनमें अंशुमान जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, जिनका झारखंड के कृषि पर बहुत काम है, और जब ईपीडब्ल्यू वगैरह में हम लोग देखते थे किसानों की आत्महत्या के बारे में जब पढ़ते थे तो महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या करते हैं, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश का, लेकिन झारखंड में किसान आत्महत्या नहीं कर रहे थे आज से 4-5 साल का जो ईपीडब्ल्यू का सर्वे जो उनका लेख, लेकिन आज झारखंड का भी जो किसान है और खास करके मनरेगा होने के बाद सबसे ज्यादा जो इरिगेशन है, सिंचाई है, वो झारखंड में कुआं से होता है, कुआं सिंचाई का मुख्य कार्य है। हम चतरा घूम रहे थे कुछ कारणों से लगातार, तो चतरा में एक ब्लॉक है जहां से सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादन होकर के बाहर जाता है, तो एक परिवार से जब हम बातचीत करने लगे तो बताया कि पहले हम मुंबई में काम करते थे
लेकिन जब मुझे कुआं मिल गया मनरेगा से तो मेरा सालाना इनकम 1.5 लाख हो गया है सब्जी बेचकर। तो कुआं भी एक सिंचाई का सबसे ज्यादा जो प्रतिशत है अगर आप देखेंगे झारखंड में किसी में तो कुआं है आज के दिन में, उसके बाद तालाब है छोटा छोटा पोखर ये सारा चीज, लेकिन मनरेगा से बात के बड़ा कि उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार भी हुआ जिसमें ज्ञान विज्ञान काफी लड़ा भी है संघर्ष भी किया है। तो आज के दिन खास करके देश के बारे में तो हम सुनेंगे डॉक्टर दिनेश एब्रोल जी से, लेकिन उसके साथ साथ हम सुनेंगे अंशुमान जी और धर्मेंद्र जी को कि हम बातचीत कर रहे थे जो दो दिन में कि हमारा दो चीज है ज्ञान विज्ञान आंदोलन और अखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क का, ये हम शिक्षित करें लोगों के बीच तमाम चीजों को लेके जाए और दूसरा जब जरूरत हो तो पूरा जल नामबंदी करके संघर्ष भी करें और उसके साथ वैकल्पिक भी विकल्प भी पेश करें। तो उसके लिए दो साथी हैं जो रखेंगे कि खास करके कृषि कार्य में उनका झारखंड का बहुत बड़ा अनुभव है, खास करके पहाड़िया आदिवासी से लेके बहुत जगहों में काम किया और धर्मेंद्र जी जो है पूरा पंचायत लेवल का प्लानिंग है। तो हम अपने बात को यहाँ पर अंत करते हैं कि हम अपने महत्वपूर्ण साथियों को सुनेंगे और उनके विचार से लैस होकर के हम आगे अपना कार्यक्रम तय करेंगे और जो विभिन्न जन संगठनों से आज वैज्ञानिकों को और बुद्धिजीवी को सुनने आए हैं वो भी हम लोग मिल करके आगे कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद सर।